तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आते हैं जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों के समाधान देने का प्रयत्न करते हैं। अभी तक इस सीरीज में हम 41 वीडियोस आपको दे चुके हैं और ये 42वां वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो फोल्डर है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आपके सवालों के जवाब भी तकरीबन उसमें मिल जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा ताकि अगले वीडियो में उसको कवर किया जा सके। ओके, तो लेते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल पूछा है पंकज कुमार जी ने और ये पूछते हैं कि सर मैं बिल्डर के थ्रू बना बनाया मकान खरीद रहा हूं तो इसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो पंकज जी, अगर आप बिल्डर के थ्रू बना बनाया मकान ले रहे हैं तो आपके लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात है ही नहीं। सबसे बड़ा आपका काम यही है कि आपने पैसों का बंदोबस्त कर लेना है और आपके नॉर्मल केवाईसी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और एग्रीमेंट, यही आपकी जिम्मेदारी होती है। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्डर खुद ही बना के आपको देता है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं स्वामी समर्थ जी, ये पूछते हैं सर वेस्ट लैंड महाराष्ट्र में मिलेगी क्या? तो गवर्नमेंट वेस्टलैंड जो फौजी भाइयों को मिलती है उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और पूरे एग्जाम्पल के साथ उसमें बताया है, और यह भी बताया है कि किस व्यक्ति को गवर्नमेंट वेस्टलैंड मिली है लेटेस्ट, उनके साथ में एग्जाम्पल के साथ में हमने एक वीडियो दिया है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या महाराष्ट्र में गवर्नमेंट वेस्टलैंड मिलेगी? तो देखिए, गवर्नमेंट वेस्टलैंड का प्रावधान तो सैनिकों के लिए है लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी है और अलग अलग राज्य गवर्नमेंट, अलग अलग राज्य सरकारों के अलग अलग नियम भी है। कई कई राज्यों में इस प्रावधान को कम कर दिया गया है, कई कई राज्यों में कुछ नए नियम लाए गए हैं। तो इस हिसाब से आपने ये देखना होगा कि आपके राज्य में अभी इसको लेकर क्या नियम चल रहे हैं। उसका एक सीधा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आपको गूगल पर जाना है और आपका जिला सैनिक बोर्ड को सर्च करना है। आपके जिला सैनिक बोर्ड को आप सर्च करेंगे तो वहां पर पूरा लिस्ट खुल जाएगा कि आपको राज्य सरकार की तरफ से एक पूर्व सैनिक होने पर या फिर एक ऑन सर्विस होने पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो ये सभी भाइयों के लिए लागू है, ये एक जबरदस्त बेनिफिट है। जो भी भाई इनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने राज्य सैनिक बोर्ड से या जिला सैनिक बोर्ड से इस चीज का पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप एक छोटा सा ITR लिखिए अपने राज्य सैनिक बोर्ड को या जिला सैनिक बोर्ड को, तो वहां से आपको पूरी जानकारी पूरी शर्तों के साथ मिल जाएगी। तीसरा सवाल है बाबा जी पूछते हैं, बाबा ईश्वयान ये पूछते हैं फौजी के लिए सिविल में कोई हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अक्सर होता क्या है कि हमारे कैंप में या फिर रिटायरमेंट होने के बाद जैसे ही आप रिटायरमेंट लेते हैं आपके पास तरह तरह के एजेंट आना शुरू कर देते हैं और वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेच देते हैं। डेफिनेटली आज की दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन क्या फौजी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है? तो यहां पर उचित जवाब ये होगा कि किसी भी डिफेंस पर्सनल को, या तो वो ऑन सर्विस है या फिर वो रिटायर्ड पर्सन है, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ऑन सर्विस आपकी पूरी फैमिली के लिए मेडिकल डिफेंस की तरफ से कवर किया जाता है और आफ्टर सर्विस भी आपको ECHS के थ्रू मेडिकल कवर मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके घर से थोड़ी दूरी पर पॉलीक्लिनिक हो, लेकिन उसके लिए भी आजकल ऑप्शन आ चुका है कि आप इंडिया में किसी भी अस्पताल में अपने फैमिली का, परिवार का इलाज करा सकते हैं और बाद में उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसको क्लेम करा सकते हैं। इसीलिए आप अगर डिफेंस पर्सनल है या पूर्व सैनिक है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं इंडिया जी जे पूछते हैं कि सर्विस पर्सन अगर 15,000 की SIP करवा दे 20 साल के लिए तो क्या सही रहेगा? बिल्कुल उचित सवाल पूछा है। ऐसे फौजी जो अपने पैसों को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर थोड़ा एक्टिव रहते हैं वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम आप सभी का सम्मान करते हैं जी। बिल्कुल, अगर आप सर्विस पर्सन है तो सबसे पहली बात तो कि आप अभी सेफ जोन में हैं, आपको सैलरी तो मिलना ही मिलना है पर सरकारी सुविधाएं सारी आपको मिलनी है, तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर होता है ये कि आप आज के नए जमाने में SIP में इन्वेस्ट करें।
और अगर 15,000 रुपए को लेकर आप 20 सालों तक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। एपी फंड के मुकाबले आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि कुछ अमाउंट, थोड़ा सा 30% या 20% अमाउंट जो है वो आपने AFPP फंड में भी दाखिल करना है, ताकि आपकी सेफ्टी को ज्यादा प्राधान्य मिल सके। और इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दिए हैं फौजी भाइयों की लाइफ को ध्यान में रखते हुए, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको तरह तरह के वीडियो मिलेंगे जो सभी डिफेंस पर्सनल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा हम ज्वाइन बटन पर फौजी भाइयों के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं, एक सर्विस देते हैं जहां पर हर तरह के इन्वेस्टमेंट, न्यू अर्निंग प्लेटफॉर्म, शेयर मार्केट की रेगुलर अपडेट्स, आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और डायरेक्ट जॉब भर्ती की जानकारियां देते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो ब्लू कलर के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये स्पेशल सर्विस दी जाती है। ये एक पेड सर्विस है लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा आपको मिल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। एक यूजर पूछते हैं, अगर कोई ESM अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के बाद दूसरी शादी करते हैं तो वो कितना परसेंट पेंशन की हकदार होगी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बहुत सारे हमारे फौजी भाइयों के साथ ऐसी समस्याएं आती है और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसका सॉल्यूशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, जो हम प्रयास कर रहे हैं ताकि फौजी भाइयों तक उनके समस्याओं का समाधान पहुंच सके। तो आप अगर शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फौजी भाइयों तक ये पहुंच पाएगा। तो देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई ESM है, यानी कि एक सर्विसमैन है, और उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर वो दूसरी शादी करते हैं, तो दूसरी पत्नी को कितना परसेंट पेंशन मिल सकता है? देखिए, आपकी देखिए किसी की पत्नी का मृत्यु हो चुका है तो सबसे पहले तो आपने सोल्जर बोर्ड के थ्रू, अपने रिकॉर्ड थ्रू, आपको डॉक्यूमेंटेशन रीसबमिट करना होगा उनका डेथ सर्टिफिकेट के साथ में। उनका जो डिटेल्स है वो आपकी सर्विस रिकॉर्ड से निकालना होगा, और नई पत्नी जो आपने दोबारा शादी की है उनके साथ में मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के दोबारा से आपने उसको रीसबमिट करवा के आपके रिकॉर्ड में चढ़वाना होगा। अब मेन चीज ये है कि जिस पत्नी का रिकॉर्ड आपके सर्विस रिकॉर्ड में है, सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। ओके, दूसरा सवाल कि अगर फर्स्ट वाइफ का बच्चा है तो क्या उसे ECHS की फैसिलिटी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल उनको ECHS की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड चेंज करवा रहे हैं तो रिकॉर्ड आपकी धर्मपत्नी का चेंज हो रहा है, आपके बच्चे का चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका बच्चा वही बच्चा है जो पहले था, इसलिए उनको भी पूरी फैसिलिटी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समाधान पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक फौजी भाई ने पूछा है, क्या आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर हम क्लास वन की जॉब ले सकते हैं? देखिए, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें पूरे गवर्नमेंट ऑथोरिटी लेटर्स को भी दिखाया है। आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो पूर्व सैनिकों को एक नई रोजगारी मिल सके, इसके द्वारा, सरकार के द्वारा ये एक प्रयास किया गया है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे आप कुछ डिपार्टमेंट में क्लास सी और क्लास डी की जॉब ले सकते हैं, लेकिन क्लास वन की जॉब और क्लास टू की जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके क्या क्या नियम है वो पूरा वीडियो आप देखिए, समझिए और उसको आगे बढ़ाइए, ताकि आप सही समय पर अपना सही डिसीजन ले सके और अगला मैनेजमेंट आप आसानी से कर सके। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने का एक उत्तम प्रयास। आशा करते हैं कि आप तक उचित समाधान पहुंच रहे हैं और आप इन वीडियोस को अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां भी आप यूज कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फौजी भाइयों तक हमारी ये कोशिश पहुंच सके और उनको उनकी समस्याओं से रिलेटेड समाधान मिल सके। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमारे उत्साह को प्रेरित करता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।